जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ विशेष उपायों और टोटकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हनुमान जी से संबंधित कुछ सरल और चमत्कारी कुछ अचूक टोटके आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर देंगे। जी हाँ, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे हनुमान जी के। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ सरल टोटके। हनुमान जी के भक्त उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? हनुमान जी के भक्त उनसे कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात कि हे प्रभु, आपकी शरण में आकर के सारे सुख लहते हैं और जब आप जैसा कोई रक्षक हो तो हमें फिर डरना किससे और क्यों डरना। कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित और अमर रहने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए वो भक्तों की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। सप्ताह में मंगलवार, शनिवार और जो दिन होते हैं ये हनुमान जी के दिन माने गए हैं। यही कारण है कि मंगलवार और शनिवार के दिन में आप हनुमान मंदिरों में अपरंपार भीड़ देखते हैं। भक्तों का जो है खूब वहाँ पर लाइन लगी होती है, कतार आप देख सकते हैं। आज हम लोग इसी क्रम में हनुमान जी के कुछ विशेष टोटके पर चर्चा करने वाले हैं, जिनसे आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान भी मिलेगा। तो इन उपायों को, इन खास टोटकों को आप कम से कम एक बार जरूर अपनाएं। तो इन उपायों के क्रम में जो सबसे पहला टोटका है वो ये है कि 1.25 किलो उड़द की दाल ले लें और 250 ग्राम काला तिल मिला करके, काले और उसके साथ 1 मुट्ठी काला चना मिला करके आप आटा पिसवा लें। अब प्रति मंगलवार को इस आटे को गूंथ करके आपको दीपक बनाना है और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को आपको समर्पित करना है। जैसे पहले दिन 1 दीपक, अगले दिन 2 दीपक, इस तरीके से आपको तीसरे दिन 3 दीपक, इसी क्रम को आपको आगे बढ़ाते जाना है। इसी तरह 11 दिनों तक आपको 11 दीपक लगाना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये दीपक सरसों के तेल का ही आपको लगाना है। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो फिर आपको वापसी घटते क्रम में करनी, यानी 12वें दिन 11 दीपक, 13वें दिन 10 दीपक, इस तरीके से आपको करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो समस्या कर्ज की हो, व्यापार की हो, पारिवारिक तनाव की हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, संपत्ति का विवाद हो, आर्थिक तंगी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी आपको उसमें शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। दूसरा उपाय है कि घर या व्यापार में अगर नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी का आप अनुभव करते हैं या किसी बुरी नज़र और जादू टोने से आपको अगर बचाव करना है तो आपको ये उपाय जरूर आजमाना चाहिए। आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के बाएं पैर और उसके साथ साथ बाएं कंधे से आप सिंदूर लेकर के आएं। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के ऊपर आप ओम श्री राम या जय श्री राम आप लिख दें। ऐसा करने से आप घर या ऑफिस पर जो भी लगी हुई बुरी नज़र होगी उसको दूर करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। किसी भी प्रकार की नज़र दोष, जादू टोना का असर जो होगा वह समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, मैं अक्सर इस उपाय को बताता रहता हूँ, ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परेशान हैं और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक गोमती चक्र, एक नारियल पर सिंदूर लगा करके मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरणों में इसे समर्पित करके आप चले आएं। इससे आपकी कीमती कमाई व्यर्थ जो होगी, व्यर्थ किसी भी प्रकार में जो अभी हो रही थी, आगे से कभी नहीं होगी। आप जो इतनी मेहनत से कमाते हैं, जो इधर उधर खर्च हो जाता है, कभी एक्सीडेंट में, कभी कहीं कोई खर्चा, किसी भी प्रकार के व्यर्थ के जो खर्च होते हैं उस पर तत्काल रोक लग जाएगी। इसके बाद अब बारी आती है, अगर आप अपने आसपास ऑफिस या कहीं भी अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मन से परेशान हैं तो प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। ये पाठ आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर के आसपास किसी पूजा स्थान में अगर हनुमान जी स्थापित हैं तो उनके समक्ष भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हनुमान जी स्वयं आपकी, आपके शत्रुओं से सुरक्षा करेंगे। आपकी सुरक्षा हनुमान जी के पास जब हो गई, उनकी अगर उसमें चली गई, तो फिर तो आपको किसी प्रकार की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि मेरा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे आप शेयर करें और इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।